पंच कल्याणक एक वो क्रिया है जिसमें पंच कल्याणक 5 दिन का होता है और 5 दिन जो होते हैं उसमें पहला दिन गर्भ कल्याणक का होता है, दूसरा दिन जन्म कल्याणक का होता है, तीसरा दिन दीक्षा कल्याणक का होता है, चौथा दिन ज्ञान कल्याणक का होता है और 5वां दिन मोक्ष कल्याणक का होता है। और इस प्रकार से ये 5 दिन 5 कल्याणक भगवान के होते हैं जिसमें एक पाषाण की मूर्ति को जो जयपुर से आती है, धातु की भी हो सकती है, पाषाण की भी हो सकती है, है ना, रत्नों की भी हो सकती है ना, वह प्रतिमाएं जब हम खरीद के लाते हैं तो वो एक महज प्रतिमा होती है, मूर्ति होती है, पर पूजनीय नहीं होती। पर वह मूर्ति उस पंचकल्याणक के माध्यम से एक जो उसमें विधान किया जाता है ना, उस विधान में याग मंडल विधान, उस याग मंडल विधान जो कि पंचकल्याणक में ही होता है, उस पंचकल्याणक में उस विधान के माध्यम से मंत्रों की आहुतियाँ दी जाती हैं, देवताओं का आवाहन किया जाता है और वह मूर्ति के संस्कार होते हैं ना, उसमें अंकन्यास होती हैं ना, और उसके साथ मूर्ति में सूर्य मत दिया जाता है ना, और पूरी तरह से भगवान के जीवन की पूरी पहलुओं को कि भगवान का जन्म कैसे हुआ, उनकी माँ कौन थी, उनके पिताजी कौन थे, उनका जीवन कैसे बीता, कैसे वो अपने मित्रों के साथ खेलते थे, फिर उनके बाद उनकी कैसे शादी हुई ना, पिताजी ने उनको राजपाट सौंप करके ना धाम चार धाम की यात्रा पे निकल गए और कैसे उन्होंने राज का संचालन किया, फिर कैसे उनको राज संचालन करते करते कैसे नीलांजना का नृत्य देखा, उसको देख कर उनको बैराग हुआ, बैराग होने पर उन्होंने अपना राज अपने बच्चों को बेटों को सौंप करके और वह वन में चले गए और वहाँ पर मुनि दीक्षा लेकर के साधना में बैठ गए और एक दिन उनको भी केवल ज्ञान हो गया और एक दिन मोक्ष हो गया। उसका नाम पंचकल्याणक है और ऐसा वह पंचकल्याणक 5 जून से 9 जून का राठी मेल में जो कि सहादरा के ना शिवाजी पार्क में आता है और वहाँ पर 5 दिन का ये पंचकल्याणक हो रहा है। नवीन चैत्यालय बनकर के तैयार है शिवाजी पार्क में, जहाँ पर मूल नायक भगवान वासु पूज हैं और वासु पूज जिनालय के नाम से ये मंदिर बनके तैयार है और 5 जून से ये प्रारंभ होगा, क्योंकि पंचकल्याणक के बाद भगवान जी विराजमान हो जाएंगे और वहाँ पर घंटियाँ और पूजा अभिषेक प्रारंभ हो जाएगा। इसका नाम पंचकल्याणक है जिसमें आप सब भी उस पंचकल्याणक में शामिल होकर 5 तारीख को हम सभी है ना महिला दिवस के रूप में, पर्यावरण दिवस के रूप में और माता की गोद भराई के रूप में और आचार्य श्री विराक्षा जी महाराज की आगवाणी ना दिल्ली में जो होने जा रही है उस संदर्भ में महिलाओं के एक मीटिंग के रूप में भी हम लोग 5 तारीख को वह पंचकल्याणक का पहला दिन गर्भ कल्याणक के रूप में मनाएंगे, जिसमें आप सब भी वहाँ पर आमंत्रित हैं और उस पंचकल्याणक का पहले दिन का आनंद प्राप्त करेंगे।